आज खुश तो बहुत होगे तुम। जी हाँ बिल्कुल है, और क्यों ना हो भाई। आज बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ श्यामली कात्याय। अमिताभ तकरीबन 5 दशकों से हिंदी फिल्मों में हैं। अपनी फिल्मी करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और कई एवरग्रीन हिट फिल्में दी हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन को उनका पहला स्क्रीन टेस्ट कैसे मिला? अमिताभ बच्चन ने बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे पर भी अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं और लोगों के दिलों पर राज किया है। उनकी अदाकारी के लिए उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 16 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। बिग बी ने अपने फिल्मी करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी सुपरहिट फिल्में दी तो लगातार फ्लॉप फिल्मों का दबाव भी झेला है, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन के चलते बिग बी ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। लेकिन अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरुआती तौर पर कुछ खास ठीक नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उन्हें जब नरगिस ने पहली बार स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया तब जनाब काफी ज्यादा नर्वस थे। दरअसल हुआ यूं कि मशहूर अभिनेता मनोज कुमार उन दोनों यादगार फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन को एक छोटी सी भूमिका देना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उस वक्त नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त नौकरी छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं, वो रात दिन इसी दुविधा में रहते थे। उस जमाने में एक झटके में 1600 रुपए की नौकरी छोड़ना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती। इसी दुविधा के कारण उन्होंने मनोज कुमार का ऑफर स्वीकार नहीं किया और दिल्ली लौट गए। नौकरी छोड़ने और अब्बास साहब के साथ साथ हिंदुस्तानी के लिए चुने जाने के दरमियान उन्हें नरगिस जी की कोशिशों से एक और मौका मिला, जिसके बाद अपनी जिंदगी का पहला स्क्रीन टेस्ट देने के लिए उन्हें मुंबई बुलाया गया। अमिताभ बच्चन को उनका पहला स्क्रीन टेस्ट उनकी माँ के बदौलत उन्हें मिला। दरअसल हुआ यूं कि तेजी जी अपने बेटे के भविष्य को लेकर काफी परेशान रहती थी कि कहीं से उनके बेटे को फिल्मी जगत में एक मौका मिल जाए, और इसका जिक्र उन्होंने कई बार नरगिस से भी किया और नरगिस ने पूरी कोशिश करने का वादा भी किया, जिसके बाद नरगिस ने अपना वादा भी निभाया और उनके कहने पर मोहन सहगल अमिताभ बच्चन का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए राजी हुए, जिसके बाद अमिताभ बच्चन दिल्ली छोड़ मुंबई के लिए रवाना हो गए। मोहन सहगल उन दिनों साजन फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म में हीरो मनोज कुमार ही थे। नरगिस जी ने अमिताभ बच्चन को सब समझा दिया कि उनका स्क्रीन टेस्ट 9 बजे रूपतारा स्टूडियो में होना था। अमिताभ बच्चन रूपतारा स्टूडियो में 9 बजने से पहले ही पहुंच गए। उस जमाने के निर्देशक और आज के प्रोड्यूसर राज ग्रोवर ने एक सीन तैयार कर रखा था जो अमिताभ बच्चन को कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ना था। अमिताभ ने उन सभी डायलॉग्स को रट लिया। वो डायलॉग एक रोमांटिक सीन के थे और अमिताभ आज भी उन डायलॉग्स को एक सांस में दोहरा सकते हैं। खैर 12 घंटे के लंबे इंतजार से थकान और टेंशन के बाद अमिताभ बच्चन ने डरते हुए वहां बैठे सभी लोगों पर नजर डाली। अमिताभ बच्चन को यह एहसास हुआ कि सभी को उनका स्क्रीन टेस्ट पसंद आया, या शायद ऐसा ना भी हुआ हो, क्योंकि जीवन के पहले स्क्रीन टेस्ट का परिणाम क्या हुआ आज भी किसी को नहीं पता। पहली बार का मुंबई सफर अमिताभ बच्चन को 2 कारणों से आज भी याद है। पहला तो स्क्रीन टेस्ट होने और दूसरा उसका परिणाम ना मिलने के कारण। लेकिन उस स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट आज हम सबके सामने है। अमिताभ बच्चन ने अपने एंग्री यंग मैन के स्टाइल से सभी का दिल जीता है। बिग बी के जन्मदिन पर हमें बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको उनकी कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।